भाई लोग वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो में तीन बहुत बड़ी शॉकिंग ऑफिशियल अपडेट आपको देने वाला हूं मेरा भाई। वॉर 2 की ऑफिशियल अपडेट, एनटीआर 31 की ऑफिशियल अपडेट एंड देवरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि एनटीआर की तीनों मूवीज की ही अपडेट। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम वॉर 2 की ऑफिशियल अपडेट देखते हैं जो कि है इस मूवी के क्लाइमैक्स को लेकर। देखो मैं यहां पर गाइज एक बात जरूर करूंगा कि YRF जो बोलता है वैसा करके दिखाता है। YRF ने बोला था इस साल के आखिर में भाई वॉर 2 की शूटिंग कंप्लीटली रैप अप हो जाएगी, वैसा ही होता दिख रहा है। द ऑफिशियल न्यूज इज कि अभी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में वॉर 2 का क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा। ऋतिक रोशन ने ऑलरेडी प्रेपरेशन जो होने वाली है वो कर दी है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होने वाली है उसकी भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है एंड जो हमारे ऑफ कोर्स एनटीआर हैं उन्होंने भी जो प्रेपरेशन है वो नॉर्मली मतलब अभी स्टार्ट की है। तो अगला यानी कि जो मंथ होने वाला है नवंबर, उसके फर्स्ट वीक में ऑफिशियली भाई साहब क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा। न्यूज ये सुनने को मिल रही है कि मुंबई में ये क्लाइमैक्स शूट होगा लेकिन जो लोकेशन है जहां पर क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा वो लोकेशन रिवेल नहीं की गई, हिडन लोकेशन रखी गई है। हो सकता है रिवेल ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि अभी लास्ट जो इटली वाला सीक्वेंस आपको बताया मैंने भी आप लोग के साथ शेयर किया था, ऋतिक रोशन कियारा आडवाणी सॉन्ग शूटिंग हो रही थी तो वो काफी ज्यादा लीक्ड आउट हुआ था। तो भाई अब YRF गाइस ऐसा नहीं चाहता तो मुंबई में कहां क्लाइमैक्स शूट होगा उसकी कोई भी न्यूज सामने नहीं आई है। लेकिन न्यूज ये है कि 20 दिन भाई साहब इस क्लाइमैक्स की शूटिंग होगी और न्यूज ये भी आ रही है कि इससे पहले YRF स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं उन सबसे बड़ा क्लाइमैक्स होने वाला है। यार मैं जब ये न्यूज देखी तो मैंने कहा टाइगर जिंदा है, उसका क्लाइमैक्स कितना बड़ा था यार। इवन के अगर मैं सिंपल वॉर 1 की बात करूं उसका क्लाइमैक्स कितना बड़ा था, तो गाइस अगर उससे भी बड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वॉर 2 एक बहुत तबाही चीज लेकर आने वाली है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो जैसे ही नवंबर के फर्स्ट वीक में भाई साहब क्लाइमैक्स की शूटिंग स्टार्ट होगी, 20 दिन चलेगी, तो मतलब भाई साहब नवंबर के आखिर तक ये दोनों एक्टर्स या अगर मैं ये बोलूं कि वॉर 2 की शूटिंग कंप्लीटली रैप हो जाएगी तो ये गलत नहीं होगा। फर्दर न्यूज ये थी कि अभी ये जो इटली में शूटिंग हुई है जो कि जिसकी पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, लीक वगैरह हुई थी, ऋतिक रोशन एंड अपना क्या बोलते हैं क्यारा के गाना शूट हुआ है, उसी के साथ एक एक्शन सीक्वेंस भी इटली में शूट हुआ था। खैर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन भाई होप के साथ साथ मैं इतना बोलने वाला हूं कि रिकॉर्ड्स आर इन डेंजर यानी कि बॉलीवुड की ये फर्स्ट फिल्म बनेगी जो कि 100 करोड़ प्लस की डे वन में नेट कलेक्शन करेगी। क्या सिकंदर कर सकती है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अपडेट, ऑफिशियल अपडेट एनटीआर 31 को लेकर। आप सबको पता है कि अब आकर देवरा की जो या चले पहले देवरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखे, क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा तो उसके बाद एनटीआर 31 की अपडेट आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो देवरा की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 डेज की यानी कि आज तो भाई साहब है ट्यूसडे, कल था मंडे, कल मंडे तक भाई देवरा को 11 डेज कंप्लीट हो गए हैं थिएटर में। तो इन 11 डेज में अकॉर्डिंग टू ट्रेड नोट मेकर्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेड तेलुगु से 185 करोड़ की नेट कलेक्शन, हिंदी से 54 करोड़, कन्नड़ा से 1.93, तमिल से 5.7, मलयालम से 1.32 करोड़ और टोटल 248 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब इस फिल्म ने कर ली है। ग्रॉस हुई ऑलमोस्ट 294, ओवरसीज से 75 एंड टोटल हो गए 370 करोड़ वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू ट्रेड। और मेकर्स का पोस्टर 400 करोड़ प्लस का था ना अभी लास्ट दिनों जब आया था, तो आई थिंक सो 460 के समथिंग था, मैंने देखा था लेकिन अब मेरे माइंड में नहीं है। तो मेकर्स के नंबर्स और ट्रेड के नंबर्स में 80-100 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। मैं फिर बोलूंगा, मैं आपको नहीं भाई साहब कहता कि आप मेकर्स के मानो या ट्रेड के मानो, लेकिन एक चीज जो ट्रेड और मेकर्स दोनों के भाई साहब नंबर्स में सेम है वो ये कि अब आकर इवन के कल मंडे था, मंडे से पहले संडे, सैटरडे या फिर अगर मैं फ्राइडे की भी बात करता हूँ जो कि मेजर डेज थे और सबको लग रहा था कि फिल्म इनमें बहुत बड़ा मोमेंटम पकड़ेगी, फिल्म मोमेंटम नहीं पकड़ पाई।
और भाई साहब उस लेवल की इन डेज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं हो पाई। इवन कि अगर मैं मंडे की बात करता हूँ, कल मंडे पे, तो गाइस कल मंडे वाले दिन अगर मैं आपको बताऊं, तेलुगु से 3.48 करोड़, हिंदी में बहुत डिप आ गया है 1.35 करोड़, कन्नड़ा 5 लाख, तमिल 10 लाख, मलयालम 2 लाख, टोटल आया 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ भाई साहब आया कल। तो कहीं ना कहीं अभी और कम होता जाएगा, तो अब आकर भाई साहब ये फिल्म बहुत डाउन हो चुकी है। तो अगर मैं लाइफ टाइम प्रिडिक्शन करूँ तो देवरा की जो भाई साहब ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग 400 करोड़ प्लस ये चली जाएगी वर्ल्ड वाइड, एंड अगर मेकर्स की बात करूँ तो वो लगभग 550 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन नेट कलेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। अगर भाई साहब ट्रेड के नंबर्स 248 करोड़ हैं, तो भाई मेकर्स के लगभग मान लो 275 करोड़ के आसपास होंगे। अगर मेकर्स की भी मानो तो फिल्म का नेट कलेक्शन में अभी बजट रिकवर नहीं हुआ, जो कि 300 करोड़ था। ब्रेक इवन तो हो गया, लेकिन जितना मेकर्स ने पैसा लगा के रखा है फिल्म पे भाई साहब, उतना भी अभी तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ की नेट कलेक्शन, और मैं तो ये बोलूंगा कि ट्रेड के नंबर्स में अगर ये 300 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ले तो इसको एटलीस्ट हिट का टैग मिलेगा। बट टू द पॉइंट, अब आकर मैं अगर ये बोलूं, जैसे स्टार्ट के दिनों में इसको मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ था, बहुत हिंदी में अच्छी कलेक्शन, मैं तो ये प्रेडिक्शन लगा के बैठा था कि 100 करोड़ नेट कलेक्शन, ये क्या पता हिंदी में ठोक दे, लेकिन अब गाइस वैसा कोई सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि देवरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी खासी डाउन हो गई। तो इसी को सामने रखते हुए जो भाई साहब हेटर्स मैं उनको बोलूंगा, उन्होंने भाई ये सीन ये ट्रेंड चलाया कि NTR 31 की शूटिंग डिले हो चुकी है। अब गाइस शूटिंग स्टार्ट होगी लगभग अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर फरवरी मार्च में, और अभी सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। टोटली बेसलेस, ये बिल्कुल फेक रूमर है। मैंने आपको बोला ना, सालार 2 की न्यूज आती है सबसे पहले आपके भाई के पास, भाई आपका भाई आपको सबसे पहले देगा, और शूटिंग की इतनी बड़ी अपडेट भाई साहब मैं आपको नहीं दूंगा, क्या हो गया, क्या पता आपसे ज्यादा सालार 2 का मुझे वेट हो, और ये बात आप सबको अच्छी तरह से पता है। सो ये टोटली न्यूज भाई साहब फेक है। NTR 31 की शूटिंग जैसे भाई साहब बोला गया है वैसी होगी, और वो है नवंबर, यानी कि अगले महीने, अक्टूबर का लास्ट बोला गया है, लेकिन आप नवंबर मानो, नवंबर में भाई साहब NTR 31 की ऑफिशियली शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी स्टार्ट में जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो NTR ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको पता है ना, कुछ बड़े सीक्वेंस है जो कि वैसे ही ओवरऑल शूट किए जाएंगे, और अगला साल जैसे स्टार्ट होगा तो जनवरी फरवरी में भाई साहब NTR शूट को ज्वाइन करेंगे। अब आपको समझ आई कि रूमर कैसे बनाए जाते हैं। भाई ऑफिशियल न्यूज ये है कि NTR भाई साहब फिल्म की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे जनवरी फरवरी, इवन के मार्च भी हो सकता है, लेकिन शूटिंग उससे पहले NTR 31 की स्टार्ट हो जाएगी। NTR के अलावा भी तो बाकी कैरेक्टर्स हैं, उनका भी तो शूट करना है ना मेरा भाई, बहुत बड़े लेवल की, बहुत भाई ड्रीम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है प्रशांत नील का। तो रूमर क्या देखा गया कि भाई अच्छा NTR जनवरी फरवरी में शूटिंग करेंगे, शूटिंग डिले हो गई। ऑफिशियल न्यूज़ या पक्की न्यूज़ तो कोई देखता ही नहीं है, बस जो न्यूज़ देखी उस पर यकीन कर लिया कि ये हो गया, तो कुछ भी नहीं है। NTR 31 जैसे चल रही है, यानी कि जो उसके बारे में बिल्कुल अभी पहले हमारे पास अपडेट थी, अभी भी सेम टू सेम वैसी ही है। सो अब आप लोग मुझे बताओ NTR 31 कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। देखो मैं सिंपल वर्ड्स बोलूंगा, जो बंदा KGF सालार जैसी मूवी हमें ला के दे सकता है, तो जब वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएगा वो भी अपने ड्रीम हीरो के साथ, तो वो कैसा होगा। आई एम बेसब्री के साथ वेटिंग। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।